अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया पेशावर के शोबा सहाफत में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 8 मार्च वुमेंस राइट डे के तौर पर मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट के ख्वातीन ने भी एक सेमिनार मुनाकिद किया है जो आप हमारी टीवी देख भी सकते हैं। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुतालबात क्या है, उन और इनके मकासद क्या है, और ये इस मार्च से दुनिया को क्या कह रहा है। पहला तो ये है कि हम लोग ये जो इश्यूज़ हैं इन्हें हम लोग लाइट पे लाएं और लोगों को दिखाएं कि हम एज ए वुमेन हमें ये इश्यूज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो पहले तो यही होगा कि हम लोग लोगों को ये बताएं कि ये इश्यूज़ हमारे हैं एज ए वुमेन, और पहले हम लोग इस इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज करें और फिर इन इश्यूज़ को ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, पर जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स मौजूद है इम्प्लीमेंटेशन भी हो चाहिए, उसके बावजूद भी सेक्सुअल खबर को बता जावेद है। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी बीएस जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, मैं 6th सेमेस्टर में हूँ। तो जैसे कि आज हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 मार्च के हवाले से, तो सबसे पहले ये है कि ख़वातीन को लोग पूछते हैं कि वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं और वो क्या चाहते हैं, उनके क्या मुतालबात है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये ख़ास एक दिन मखसूस किया गया है ख़वातीन के लिए ताकि वो आएँ बाहर, वो बोलें, क्योंकि हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि ख़वातीन को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मर्दों को एक तरह ट्रीट किया जाता है, ख़वातीन को दूसरी तरह ट्रीट किया जाता है, और डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे वो फिर जॉब में हो, वो एजुकेशन में हो, किसी भी हवाले से हो, तो उनको हैरेस किए जाते हैं, उनको रेप किए जाते हैं और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ख़वातीन भी सोसाइटी का उसी तरह हिस्सा है कि जिस तरह मर्द हैं, और वो इक्वल हिस्सा है, मतलब उनको कम नज़र से ना देखा जाए, और ख़वातीन भी उसी तरह ज़िंदगी के दौर में आगे बढ़ सकती है जैसे कि मर्द बढ़ सकते हैं। डिफरेंट प्रोफेशन में हम देखते हैं कि ख़वातीन उतना ही नाम बना रही है जितना मर्द, और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मर्द से ज़्यादा ख़वातीन आगे हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ख़वातीन को उनके वो हकूक दिए जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो बंद की जाए ताकि वो मुआशरे का एक मजबूत पहलू सामने लाए और मुआशरे के लिए कुछ कर सकें। दूसरा एक तरीका जहाँ पर रेसिस्ट